व्यापारी के चाकू मारकर 10 लाख और सोने की चेन की लूट कर भागा आरोपी। कुछ दूर जाकर लोगों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई पुलिस। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी। जांच और पूछताछ में जुटी पुलिस। कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवपुरी रोड की घटना। संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। कैसे घटना हुई? घटना में क्या, मैं खाना खा के दुकान पे आके बैठा, एक लड़का आया अभी नंबर का नीचे पूछा था, उसने आके पूछा कि सत्यम वाले की दुकान कौन सी है। मैंने भाई ये नहीं सत्यम वाले की, उधर होगी कहीं। तो मैं 2 दिन पहले धान बेच के गया था, तो 2-4 दिन पहले पैसे वो यहाँ से इनका गला काट के भगे थे। यहाँ तक भगते जा रहे थे तो पीपल के पास तक वो पहुँचे थे। तो मैंने जोर से क्या नाम है चोर बचाया, मैंने कि चोर है उसको नहीं, पब्लिक ने पकड़ लिया। वहीं पर जाके मैंने पकड़ के उसको यहाँ पर ले आया था। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले के हवाले कर दिया। क्या लेकर के आए थे? वो चक्कू लेकर आए थे, कुछ पेमेंट वगैरह लेना आए थे। किसका गला काटा? गला एक मुनीम जी बैठे थे लंबे लंबे से, उनका गला काट दिया। उन्होंने बोला मुझसे कि पकड़ो तो मैं आप जाकर पकड़ने लगा। उसके सामने वाली गली में एक लुटेरा आया, पैसे लूटने के चक्कर में व्यापारी के चक्कू मार के और फरार होने लगा। तो लोगों ने पकड़ लिया, पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। व्यापारी घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। चक्कू से हमला किया, चक्कू पुलिस को बरामद करवा दिया हमने। किस जगह पे हमला किया? ये गद्दी पे, मकान पे ही, दुकान की गद्दी पे ही। थैला लूटने के चक्कर में थैला छोड़ा, चक्कू मार दिया उसके। जिनका जिन पर वार हुआ है वो उनका नाम क्या काम करते हैं? वो राजेंद्र प्रसाद गर्ग, फुरे गल्ले काम करते हैं, फुरे बाबा के लड़के हैं, गल्ले काम करते हैं। चोर को पकड़